तो भाई यार अभी है आज 20 मार्च 2023। जैसा कि आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही होगी, इस समय बज रहे हैं शाम के 7:23। दिल्ली में हो रही इस समय ताबड़तोड़ बारिश, एकदम ताबड़तोड़ बारिश। गाइस बता नहीं सकता मैं आपको कितनी तेज़ बारिश हो रही है, और जाम तो अब आपको पता पड़ ही जाएगा कि जाम कितना लगने वाला है। मैं अभी अभी 1 मिनट पहले ऑफिस से निकला हूँ और मेरे को जाना है तकरीबन 14 किलोमीटर दूर, और जो मेरा गूगल है, गूगल मैप मुझे दिखा रहा है तकरीबन 1 घंटा 27 मिनट। 1 घंटा 27 मिनट गाइस, कैन यू बिलीव दैट। लगता है जल भराव हो चुका है और फिर बारिश थोड़ा सा और तेज़ हो चुकी है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मेरे वाइपर्स अच्छे खासे स्पीड में चल रहे हैं, मीडियम स्पीड पे है। अभी है थोड़ा सा जाम, चलो धीरे धीरे चलते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, जाना तो है। बाइकर्स के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है क्योंकि बाइक वाले ना भीग जाएंगे यार, बाइक में चलना बहुत रिस्की हो जाता है। वैसे गाड़ी में भी दिक्कत है, गाड़ी में दिक्कत क्या है, ब्रेक अचानक से लगते हैं। मेरे आगे एक बस जा रही है द्वारका सेक्टर 21, मेट्रो क्या लिखा है, उत्तम नगर टू कापसहेड़ा। चल भाई, अब बड़ा भाई मैं लेन ड्राइव कर रहा हूँ केजरीवाल जी। गड्ढे हो जाता है, गड्ढे रोड में ना, तो बारिश में पता नहीं पड़ता कहाँ पर गड्ढा है, वो गड्ढे भर जाते हैं, तो उससे ना घजम घजम हो जाती है एकदम। अरे घजम घजम क्या हुआ, घजम घजम तो भाई ये तो पहाड़ी आदमी बता पाए यार, कुमाऊनी आदमी जाता है घजम घजम। घजम घजम बहुत ज्यादा है यार इसमें, ये देखो घजम घजम, ओह रे बाबा घचाओ घचम घचम। इधर अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है यार, पूरा कीचड़ ही कीचड़ होगा, गाड़ी के नीचे ना मतलब पूरे कीचड़ आ जाओगा, क्या करें भाई, मजबूरी है, जाना तो है ही। ये एक्सप्रेसवे बन रहा है ना, द्वारका एक्सप्रेसवे भाई, थोड़ा साइड दे दे, टुक टुक आ जाएगी। मैं तो आज चलो भाई, ये तो ऐसी चलेगी। भाई साहब पूरा पानी भरा हुआ भाई, पूरा पानी, देख रहे हो आप, दिख रहा है कुछ कैमरे में, कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा, कोई गाड़ी दिख रही है आगे जाते हैं लाल ऑरेंज कलर की, देखो कितना पानी भरा हुआ है। एकदम रोशनी होगी सड़कों पे, सड़कें धुल गई भाई दिल्ली NCR की। अरे भाई कितना छींटे गिरेगा, एक काम करते हैं भाई, पार्किंग लाइट जला देते हैं यार, पीछे वाला सावधान हो जाएगा ना थोड़ा। ये भाई पार्किंग लाइट जला दिए ताकि कम से कम दिक्कत आए, और थोड़ा शीशा भी साफ कर देते हैं यार एक बार, इसको चला देते हैं AC थोड़ी देर के लिए। देखो AC चलाते ही मस्त क्लीन हो गया मौसम, क्योंकि शीशा साफ होना बहुत ज़रूरी है ना, दिखना बहुत ज़रूरी है बारिश में सामने की तरफ। देख रहे हो आप कितना पानी भरा हुआ है।
उत्तराखंड रोड पे जैसे कहाँ से आई तो प्राइवेट बस है यार उत्तराखंड। 8.3 किलोमीटर जाना है यार, 29 मिनट अभी और लगने हैं, ये टाइम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा ये, बढ़ता ही जाएगा ये। और थोड़ा सा हम फ्लाईओवर के नीचे घुस रहे हैं तो वाइपर को थोड़ा रेस्ट दे देते हैं, बेचारा थक गया ऊपर नीचे करते करते। सो नाउ वी हैव एंटर्ड इन द्वारका जोन, सामने मेरे पैसिफिक मॉल है सेक्टर 21 का। धीरे धीरे कदमों की ओर बढ़ते हुए बाहर पे लग गई भीड़ भाड़, लोग ले रहे हैं पौवा अड्डा। देखो भाई पूरा जाम लग गया है एक साइड में, राइट हैंड साइड में मेरे देखिए पूरा पैक हुआ पड़ा है। अभी कुछ लोग ना उल्टा आएंगे देखने इधर को, दिक्कत है भाई दिक्कत है। बारिश होते ही दिल्ली में तो भंटादार हो जाता है यार, मतलब मेरी अपनी मार्केट में तो बोल जाए आगे से मैं गली में घुस जाऊंगा, टेंशन खत्म। ओ बेचारे बच्चे गत्ता वत्ता ऊपर रख के लेके जा रहे, ले भीगते हुए, लेकिन कुछ भीगने के लिए भी निकले होंगे। हाँ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग भीगने के लिए भी निकले होंगे। भाई रॉन्ग साइड बताइए भाई, कोई भी रॉन्ग साइड जाएगा मैं ठोक दूंगा उसको। मोमोज आज ऑनलाइन ज़्यादा चल रहे हैं मैंने। चलो भाई मुझे यहाँ से जाना है लेफ्ट, थैंक यू वेरी मच, बने रहिए फिर सेफ रहिए सुरक्षित रहिए, ज़्यादा बारिश में मत भीगिए, मौसम परिवर्तन हो रहा है इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बीमार बीमार पड़ जाओगे। चलो भैया जी ओके।